बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा, अभी हमारे पास है साइक्लिक प्रोटोफॉस्फोराइलेशन। देखिए, लाइट रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो लाइट रिएक्शंस में दो तरह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, एक नॉन साइक्लिक मैनर से और एक साइक्लिक मैनर से। ठीक है, तो पहले हमने डिस्कस किया नॉन साइक्लिक मैनर्स, अभी हम देखते हैं साइक्लिक मैनर से इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करते हैं। अब देखिए, ये बात तो आप बिल्कुल जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स पहले यहाँ से अराइज होते हैं, फोटो क्लोरोफिल ए ऑफ फोटो सिस्टम टू से आते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्लास्टोक्विनिन, यहाँ से फिर आगे साइटोक्रोम कम्प्लेक्स से, प्लास्टोसाइनिन से इसमें, और फिर यहाँ से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फेरोडॉक्सिन, और फेरोडॉक्सिन से दे आर गोइंग टू बी फिक्स्ड इनटू एनएडीपीएल। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, बाज़कत ऐसे होता है कि क्लोरोप्लास्ट रन्स लो एट लो ऑन एटीपी, यानी कि क्लोरोप्लास्ट में एटीपी की अमाउंट कम हो जाती है। एक जब क्लोरोप्लास्ट में एटीपी की अमाउंट कम होती है और राइज इन एनएडीपीएच और एनएडीपीएच की अमाउंट बढ़ जाती है, और आप ये बात जानते हैं कि NADPH और ATP दैट इज़ नेसेसरी फॉर केल्विन साइकिल, ये केल्विन साइकिल के लिए ज़रूरी हैं, तो केल्विन साइकिल को रन करने के लिए इनकी अमाउंट ऑलमोस्ट रिक्वायर्ड होती है। जब ATP की अमाउंट कम पड़ जाएगी, NADPH की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स अपना पाथवे चेंज करते हैं और सिर्फ ATP बनाते हैं, ओनली ATP सिंथेसाइज करते हैं। ठीक जी, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फिर इस साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में हमें क्या चाहिए होता है, ओनली एटीपी चाहिए होते हैं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एटीपी सिंथेसाइज किए जाएंगे। आप देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास ये फोटोसिस्टम टू है, इससे इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं इस तरह से। अब यहाँ पे मेथड चेंज हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन्स फेरोडॉक्सिन यहाँ पर देती है, अब वो यहाँ से दैट आर गोइंग टू बी डिलीवर टू साइटोक्रोम, ये साइटोक्रोम को दिए जाएंगे। ठीक है, दैट आर गोइंग टू डिलीवर टू साइटोक्रोम। अब आप जानते हैं साइटोक्रोम जो है दैट इज़ प्रोवाइडिंग एनर्जी फॉर केमियोस्मोटिक एटीपी सिंथेसिस बाय एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन्स वापस आते हैं प्लास्टोसाइनिन से इसके पास, और ये साइकिल चलता रहता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे पास ये साइकिल रन होता है। ठीक है, यहाँ से दिस वन, और ये फोटो सिस्टम वन इसमें इंक्लूड होता है, फोटो सिस्टम वन इसमें इंक्लूड है, और ये सारा मैसेज पाथवे जो है वो यहाँ पे ऐसे चलता है। ठीक है, दिस वन इस तरह से साइक्लिक मैनर्स में चलता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करते हैं, यहाँ से अपवर्ड, यहाँ से फिर इस तरफ, और फिर यहाँ से वापस। अच्छा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से फ्लो करते रहते हैं। अब इस फ्लो में हम ये बात समझ रहे हैं कि नो एनएडीपी, सिर्फ ओनली एटीपी बीइंग सिंथेसाइज्ड। ठीक है, यानी कि यहाँ से रिपीट करता हूँ, साइटोक्रोम कम्प्लेक्स, प्लास्टोसाइनिन, फोटोसिस्टम वन, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फेरोडॉक्सिन, साइटोक्रोम, ये चलता रहेगा। इसमें ओनली एटीपी, नो एनएडीपीएच, इसमें एनएडीपीएच सिंथेसाइज नहीं हो रहे, नो फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस नहीं हो रही, इसमें सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम वन इन्वॉल्व है, फोटो सिस्टम टू इन्वॉल्व नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन साइक्लिक फ्लो जस्ट एंड ओनली टेम्प्रेरी होता है, मतलब दैट्स नॉट अ परमानेंटली, टेम्प्रेरी होता है, और टेम्प्रेरी अनटिल एटीपी अमाउंट इक्वल हो जाए, अनटिल एटीपी अमाउंट रिकवर्ड। उस वक्त तक जब तक एटीपी नंबर जो है वो रिकवर नहीं हो जाता, तब तक ये जो है वो ऐसे ही रहेगा। जैसे ये रिकवर हो जाएगा तो ये अगेन वापस शिफ्ट हो जाएगा नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो पे। तो ये ओवरऑल साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो है। याद रखिएगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स आपस में अगेन इनर्जाइज्ड हो रहे हैं, दैट इज बीइंग इनर्जाइज्ड विद द हेल्प ऑफ फोटॉन्स इनर्जाइज्ड कर रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है इनर्जाइज, लेकिन यहाँ से ये फिर आगे ट्रांसमिट नहीं होगा, बस सिर्फ यही साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, एक ही किस्म के वाटर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बार बार रिपीट होते रहेंगे अनटिल एटीपी अमाउंट इज बीइंग रिकवर्ड फॉर टू रन
केल्विन साइकिल. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन डिस्कस विद मी.